नमस्ते, हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट के बारे में, कि वो प्रेगनेंसी के कौन से वीक में किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, उनका क्या प्रोसीजर रहता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए टेस्ट के पहले जाने से, और आप कैसे अपनी रिपोर्ट घर पर ही पढ़ सकते हैं अपने डॉक्टर से मिलने से पहले। तो अगर आपको एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट के बारे में कुछ भी डाउट है तो आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिफा स्कैन के बारे में, जो एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट के प्रेगनेंसी के कुछ हफ्तों के बाद रिकमेंड किया जाता है। तो टिफा स्कैन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, क्यों किया जाता है, उसकी रिपोर्ट कैसे आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही उसके लिए आपको क्या तैयारी करके जानी होती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिफा स्कैन का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो उसका फुल फॉर्म होता है टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनोमलीज, यानी कि अल्ट्रासाउंड किया जाता है ये पता करने के लिए कि बच्चे में किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंटल इशू तो नहीं है। इसके साथ साथ इसमें और भी कई चीज़ें पता की जाती हैं। तो मेनली टिफा स्कैन जो होता है आपका 18 से 24 वीक्स के बीच में रिकमेंड किया जाता है। इस बीच में ही डॉक्टर आपका टेस्ट रिकमेंड करता है, जिसमें मेनली 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी कि 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक की जाती हैं। सबसे पहला कि बच्चे का डेवलपमेंट बराबर हो रहा है कि नहीं, मतलब जो भी उसके वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट हो गया या ब्रेन हो गया या लंग्स हैं, किडनी है, ब्लैडर है, स्टमक है, ये सब प्रॉपरली ग्रो हो रहे हैं या नहीं, इनमें किसी भी तरीके का कुछ भी एबनॉर्मलिटी दिख रहा है क्या अल्ट्रासाउंड में। इसके अलावा जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि हाथ हैं, पैर हैं, उनका स्ट्रक्चर नॉर्मल है या नहीं, तो ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 कॉर्ड्स रहती हैं, तो वो तीनों कॉर्ड बराबर हैं या नहीं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ चेक होती है जो ब्लड फ्लो है यूट्रस को थ्रू द कॉर्ड, कॉर्ड के थ्रू जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है यूट्रस में, उसका फ्लो नॉर्मल है या नहीं, वो कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं है। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ चेक होती है आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन। पोजीशन यूजुअली अपर लाइन होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए। लो लाइन प्लेसेंटा है तो अगेन जो है प्री टर्म का आपका रिस्क बढ़ जाता है या एक रिस्की प्रेगनेंसी होने का चांस इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा चेक करते हैं कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड का क्वांटिटी है यूट्रस में, वो नॉर्मल क्वांटिटी है या नहीं। और आपके सर्विक्स की लेंथ चेक की जाती है कि सर्विकल लेंथ प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि सर्विकल लेंथ अगर कम होने लगती है तो अगेन प्रेगनेंसी रिस्की होने लगती है, आपका जो प्री टर्म लेबर होने का चांसेस होता है वो बढ़ जाता है। तो यूजुअली 25 mm से कम जो सर्विक्स लेंथ है वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर कभी भी सर्विकल लेंथ आपकी कम होने लगती है तो डॉक्टर आपका या तो बेड रेस्ट रिकमेंड करता है या फिर स्टिचेस के लिए रिकमेंड करता है। तो टिफा स्कैन में ये सब चीज़ें चेक करी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट जो होती हैं। और अगर मैं अब इसकी बात करूं कि इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है, तो इसके लिए ऐसा कुछ भी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी आपको तैयारी नहीं करनी है। जैसा कि एंटी स्कैन और डबल मार्कर के टेस्ट में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, दोनों टेस्ट साथ में कराने पड़ते थे, तो यहाँ आप नॉर्मल एक अल्ट्रासाउंड के लिए जैसे जाते हैं वैसे ही जा सकते हैं। यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि आपको फुल ब्लैडर होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक आपका एमनियोटिक फ्लूइड इतना हो जाता है कि वो बिना फुल ब्लैडर के भी आपका जो बेबी है उसका जो भी मेजरमेंट्स लेना है वो सब किया जा सकता है। एक और कॉमन डाउट जो आता है टिफा स्कैन को लेके, कि अगर एंटी स्कैन नॉर्मल है, डबल मार्कर टेस्ट नॉर्मल है, तो टिफा स्कैन कराने की क्या ज़रूरत है। तो टिफा स्कैन तक माने कि यूजुअली जो 18 to 24 वीक्स का ये स्कैन है, अब तक जो है बच्चे का ग्रोथ जो है काफ़ी बढ़ चुका होता है, बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका होता है कंपेयर टू जितना वो एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट के टाइम पे था। तो ये टिफा स्कैन जो है एक क्रॉस चेक रहता है, क्रॉस वेरिफिकेशन रहता है, या ये कह लीजिए कि आपको एश्योरेंस दिलाने के लिए रहता है डॉक्टर के लिए कि अभी जो बच्चा है वो नॉर्मली ग्रो कर रहा है, एंटी स्कैन डबल मार्कर में भी ओके था, अभी जो जितना टाइम निकला है बीच का उसमें भी उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, जो भी ऑर्गन्स अभी ग्रो कर रहे हैं वो भी नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है, इसको मिस मत करिए। तो अब मैं आपको अपनी स्कैन रिपोर्ट दिखा के बताती हूँ कि किस तरीके से आप टिफा स्कैन को समझ सकते हैं, कि आपकी रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब होता है। लेकिन यहाँ मैं फिर बोलना चाहूँगी कि आपको कुछ भी डाउट है तो अपने डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट कीजिए।
ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ ये सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस के लिए है, तो इसको एक जनरल अवेयरनेस के जैसा ही ट्रीट कीजिए। तो अब देखते हैं मेरी टिफाई स्कैन की रिपोर्ट और समझते हैं कि उसको कैसे पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको अपनी टिफा स्कैन पढ़ के बताती हूँ। तो टिफा में ये इसे लिखा हुआ है अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग ऑफ ग्रेविड यूट्रस एंड टिफा। तो ग्रेविड यूट्रस का मतलब होता है प्रेग्नेंट यूट्रस, और ये टिफा स्कैन के फाइंडिंग्स हैं। तो सबसे पहला फाइंडिंग है नंबर ऑफ फीटस, यानी कि बच्चे कितने हैं। मेरी सिंगल प्रेगनेंसी है यानी कि सिंगल फीटस है। सिंगल एंड वायबल, वायबल का मतलब है कि बच्चा हेल्दी है, मूवमेंट्स नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। देन प्रेजेंटेशन सिफेलिक, प्रेजेंटेशन यानी कि बच्चा किस पोजीशन में है। सिफेलिक पोजीशन मतलब होता है कि हेड डाउन पोजीशन में है, जैसा नॉर्मली यूजुअली डिलीवरी के टाइम पे प्रेफरेबल रहता है। लेकिन टिफा स्कैन में सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा हमेशा उसी पोजीशन में रहेगा, बच्चे अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। फिर ये बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं। बीपीडी यानी कि बाइपेराइटल डायमीटर, ये इसका मतलब होता है कि सर का जो डायमीटर है उसकी वैल्यू है 4.71 सेंटीमीटर। ये करस्पॉन्ड कर रही है 20 वीक्स 2 डेज से, यानी कि इसके हिसाब से बच्चे की जो एज है वो 20 वीक्स 2 डेज है। वहीं एच सी का जो मेजरमेंट है, एच सी यानी कि हेड सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब अगर आप कुछ मेजरिंग टेप लेके बच्चे के सर के चारों तरफ लपेट के उसको चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 17.78 सेंटीमीटर, जिसके हिसाब से बच्चे की एज है 20 वीक्स 2 डेज। नेक्स्ट है ए सी, ए सी यानी कि एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, यानी कि पेट का क्या सरकमफेरेंस है। उसकी वैल्यू है 15.4 सेंटीमीटर, जिसके हिसाब से बच्चे की एज आ रही है 20 वीक्स 5 डेज। वहीं एफ एल है, एफ एल का मतलब होता है फीमर लेंथ। फीमर एक पैर की हड्डी होती है जो भी एक इंडिकेशन होता है कि बच्चे की अभी जेस्टेशनल एज कितनी है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 3.2 सेंटीमीटर, जिसके हिसाब से बच्चे की एज है 20 वीक्स। फाइनल जो इन्होंने जेस्टेशनल एज दी है, यानी कि जो बच्चे की एज दी है, वो दी है 20 वीक्स 3 डेज प्लस माइनस 1 वीक 0 डे। इसका मतलब है कि उनके एस्टिमेट के हिसाब से अभी बच्चे की जो एज है 20 वीक्स 3 डेज है, जिसमें प्लस माइनस 1 वीक का एरर हो सकता है। इसके हिसाब से फिर ईडीडी देते हैं। ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड ड्यू डेट या एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, वो एक डेट दे दी गई है। इसके बाद फीटल वेट दिया हुआ है, यानी कि बच्चे का वजन कितना है अभी, वो है 346 ग्राम्स, जिसमें एरर है प्लस माइनस 51 ग्राम्स का, यानी कि ये 346 प्लस 51 ग्राम्स भी हो सकता है और 346 माइनस 51 ग्राम्स भी हो सकता है। फिर फीटल मूवमेंट यानी कि बच्चे के मूवमेंट्स कैसे हैं, वो नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। फीटल हार्ट रेट, बच्चे का हार्ट रेट कैसा है, वो नॉर्मल है और उसकी वैल्यू दी हुई है 146 बीट्स पर मिनट। फिर यहाँ प्लेसेंटा की पोजीशन दी हुई है। एंटीरियर है, एंटीरियर यानी कि ये एक पोजीशन ही बताता है। एंटीरियर प्लेसेंटा का मतलब होता है कि यूट्रस में फ्रंट की तरफ प्लेसेंटा है। अपर सेगमेंट यानी कि ऊपर की तरफ है, ये नॉर्मल इंडिकेशन होता है, क्योंकि अगर प्लेसेंटा लो लाइंग होती है तब प्रेगनेंसी थोड़ी रिस्की हो जाती है। तो अपर सेगमेंट का मतलब है कि नॉर्मल पोजीशन में है प्लेसेंटा। ग्रेड 1 मेच्योरिटी, प्लेसेंटा की अलग अलग मेच्योरिटी लेवल रहते हैं कि किस वीक में आपका स्कैनिंग हो रहा है उसके बेसिस पे। तो यूजुअली 20 वीक्स के आसपास ग्रेड 1 मेच्योरिटी रहती है, विच इज ऑल्सो नॉर्मल। उसके बाद यहाँ लिखा है लिक्विड, लिक्विड यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड। ये लिखा है एडिक्वेट फॉर जीए, जीए यानी कि जेस्टेशनल एज, यानी कि जो अभी जेस्टेशनल एज है, यानी कि जो अभी बच्चे की एज है उसके हिसाब से एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी भी एडिक्वेट है। फिर सर्विकल लेंथ दी हुई है 3.1 सेंटीमीटर, ये भी नॉर्मल है। यूजुअली अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है तब थोड़ा एक रिस्की इंडिकेशन होता है, लेकिन वो भी हर एक डॉक्टर अपनी एक अलग वैल्यू फॉलो करता है। तो यहाँ पर सर्विकल लेंथ 3.1 सेंटीमीटर, ये भी ओके है। फिर ये मेरी रिपोर्ट का सेकेंड पेज है। फर्स्ट पेज में बच्चे के सारे मेजरमेंट्स, प्लेसेंटा की पोजीशन, एमनियोटिक फ्लूइड की कंडीशन, सर्विकल लेंथ, ये सब बताया था। सेकेंड पेज में इस रिपोर्ट में बच्चे के पूरे जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं और जो भी लिम्स स्ट्रक्चर हैं उनकी क्या कंडीशन है वो यहाँ डिटेल दी हुई है। जैसे फीटल हेड नॉर्मल इन साइज, यानी कि बच्चे का जो सर है वो साइज में नॉर्मल है। विजुअलाइज्ड फेशियल स्ट्रक्चर्स अपियर नॉर्मल, यानी कि जो भी बच्चे के फेशियल स्ट्रक्चर उनको देखे वो सब नॉर्मल हैं। फेशियल स्ट्रक्चर यानी कि जो आँखों की जो सॉकेट्स होते हैं, ईयर्स है, नोज है, लिप्स है, वो सब
स्ट्रक्चर में नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। ये अल्ट्रासाउंड के टाइम पे डॉक्टर ने मुझे दिखाया भी था कि ये बच्चे की आँख है, ये बच्चे की नाक है, तो वो सब एक अल्ट्रासाउंड में देख के हम लोगों को तो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से वो सब नॉर्मल था। फिर ये है पोस्टीरियर फोसा स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स आर नॉर्मल। ये सब आपका ब्रेन के ही पार्ट होते हैं, तो इसके हिसाब से बच्चे का जो भी ब्रेन का पार्ट है वो सब नॉर्मल अपीयर हो रहा है। नेक शोज नो एविडेंस ऑफ एनी एबनॉर्मल स्वेलिंग, यानी कि गर्दन के आसपास कहीं भी किसी भी तरीके की कोई एबनॉर्मल स्वेलिंग देखने को नहीं मिली है, ये भी नॉर्मल है। फीटल कार्डियक पोजिशन इज नॉर्मल, यानी कि जो हार्ट की पोजिशन है वो नॉर्मल है। फोर चैम्बर व्यूज आर नॉर्मल, हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं वो भी जो है नॉर्मल है बच्चे में। उसके बाद है नॉर्मल फीटल मूवमेंट्स आर नोटेड, यानी कि बच्चे के जो भी मूवमेंट्स हैं वो नॉर्मल है। बोथ लंग्स अपियर नॉर्मल एंड आर एकोजेनिक, ये दोनों जो लंग्स हैं बच्चे के, फेफड़े जो हैं वो भी नॉर्मल हैं। उसके बाद है लिवर इज नॉर्मल, नो एबनॉर्मल फ्लूइड डिस्टेंटेड बाउल लूप्स आर सीन, यानी कि लिवर की कंडीशन भी यहाँ नॉर्मल इंडिकेट की गई है। बोथ फीटल किडनीज आर नॉर्मल इन साइज एंड एकोटेक्सचर, सो फीटल यानी कि बच्चे की जो किडनीज हैं वो भी प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं और साइज में भी बराबर हैं। फीटल स्पाइन इज नॉर्मल, सो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी नॉर्मल इंडिकेशन है। बोथ अपर एंड लोअर लिम्ब्स शो नॉर्मल लिम्ब स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी हाथ और पैर हैं बच्चे के वो नॉर्मल हैं स्ट्रक्चर में। काउंटिंग ऑफ डिजिट्स कुड नॉट बी परफॉर्म्ड, काउंटिंग ऑफ डिजिट्स यानी कि बच्चे की जो पैर की या हाथ की उंगलियां हैं वो नहीं गिन पाए हैं, क्योंकि वो बच्चे की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि स्कैनिंग के टाइम पे बच्चा किस पोजीशन में है, तो यहाँ उन्होंने वो इंडिकेट किया हुआ है। उसके बाद है नो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, यानी कि पेट के वॉल में, एब्डोमिनल वॉल में किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट जो है वो इंडिकेशन नहीं मिला है उनको, विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल। और ये लास्ट में है अम्बिलिकल कॉर्ड शोज नॉर्मल इंसर्शन एंड वेसल्स, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड भी नॉर्मल है, जितना उसमें कॉर्ड्स होनी चाहिए, 3 कॉर्ड्स रहती हैं वो है, और अम्बिलिकल कॉर्ड नॉर्मल है। फाइनली इम्प्रेशन लिखा है अ सिंगल लाइव इंट्रा यूट्रीन फीटस विद अप्रोक्सीमेट जेस्टेशनल एज ऑफ 20 weeks 3 days प्लस माइनस 1 week 0 day इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब हुआ एक सिंगल लाइव इंट्रायूट्रिन फीटस, यानी कि एक बच्चा, लाइव बच्चा जो है यूट्रस में, जिसकी जेस्टेशनल एज लगभग 20 वीक 3 दिन है, जिसमें प्लस माइनस 1 वीक का एरर हो सकता है, इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन यानी कि हेड डाउन पोजीशन में है जिस समय जो है ये अल्ट्रासाउंड किया गया। सो ये टिफा स्कैन इस तरीके से रहता है। और इसके अलावा जो है आपको कुछ अल्ट्रासाउंड के कॉपीज भी दिए जाते हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा डेफिनेटली, जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके का जो है स्कैन साथ में डॉक्टर लगा के देता है। यहाँ आप देखिए बच्चे की किडनी इंडिकेट की हुई है, ये यहाँ लिखा है इसलिए मुझे पता है, नहीं तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये इमेज डॉक्टर ने मुझे दिखाई थी कि ये बच्चे की जो है आई सॉकेट्स है, यानी कि जो आँखों के जो गड्ढे होते हैं वो एरिया है, तो फ्रैंकली मुझे तो एलियन जैसी पिक्चर दिख रही है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल है। फिर यहाँ पे बच्चे के नोज़ और लिप्स दिखाई दे रहे हैं। फिर एक ही पिक्चर मुझे क्लियर हुई है, ये बच्चे का पैर है, ये ऊपर का पैर का हिस्सा है, ये हाथ है, ये शायद बच्चा जो है थंब सकिंग कर रहा था। सो ये इमेज देख के थोड़ा अच्छा लगा मुझे कि कुछ तो समझ में आ रहा है। तो ये बच्चे के हाथ हैं, ये पैर हैं, ये आंखें भी थोड़ा तो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये सर है। तो इस तरीके की इमेजेस आपको दी जाएंगी, ये प्लेसेंटा दिया हुआ है, ये कॉर्ड यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड का पोजीशन बताया है, ये बच्चे का ब्लैडर का पोजीशन दिखाया है, फिर ये हार्ट रेट बच्चे की कैसी है वो दिखाया है। तो इस तरीके से आपको जो है टिफा स्कैन के साथ ये कुछ इमेजेस मिलती हैं जिसमें आपको थोड़ा बच्चे का स्ट्रक्चर समझ में आने लगता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रही होगी टिफा स्कैन के बारे में समझने के लिए, रिपोर्ट पढ़ने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहें हैंडफुल माइंडफुल। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।